بسم الله الرحمن الرحيم النوع العاشر الأفعال الناقصة وإنما سميت ناقصة لأنها لا تكون بمجرد الفاعل كلاما تاما فلا تخلو عن نقصان وهي تدخل على الجملة الإسمية أي المبتدأ والخبر فترفع الجزء الأول منها ويسمى اسمها وتنسب الجزء الثاني منها ويسمى خبرها وهي ثلاثة عشر فعلاً दसवीं नौ अफ़ाल नाकसा हैं वमा और नहीं हैं सिवाय इसके सुमियत उनका नाम रखा जाता है उनका नाम रखा गया ना कि शतन अफ़ाल नाक़ा ला इसलिए कि वो अफ़ाल ला बेमजर्र गिल फायल नहीं होते महस फ़ाइल के साथ कलामन तामन पूरी कलाम फ़ला तखलू पस खाली नहीं है अन नुकसान नुकसान से वही तद और वो दाखिल होते हैं

दसवीं नौ बयान करते हैं दसवीं नौ में अफ़ालकशा का बयान है अफ़ाल नाकशा की वजह तस्म़ ये है कि ये महज़ फाइल से क़लाम ताम नहीं बनते बल्कि ज़रूरत होती है किसी और चीज़ की भी लिहाजा इनमें नुकसान है इसी वजह से इनको अफ़ाल नाकशा कहते हैं वजह तस्मिया ये है कि ये महज़ फ़ाइल से ताम नहीं होते महज़ फाइल से कलाम पूरी नहीं होती बल्कि किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है तो लिहाजा इन में नुकसान है इसी वजह से इनको अफ़ाल नाख़ा कहते हैं मसला काना क़ायमन है तो अगर सिर्फ़ काना जैदन कहें जैद काना का फ़़ाइल बना दें तो कलम पूरी नहीं होती बल्कि कायमन की भी ज़रूरत पड़ती है वही तद खुलो ये अफ़ाल नाख़ा जुमला इसमिया यानि मुफ्त ख़बर पर दाखिल होते हैं पहली जज को रफ़ और दूसरी जज़ को नस्ब देते हैं पहली जज को कहा जाता है ये काना वगैरह का इसम है और दूसरी जज को कहा जाता है ये काना वगैरह की खबर है तो ये सिर्फ़ जुमला इस पर दाखिल होते हैं यानी मुतदा ख़बर पर दाखिल होते हैं जुजे अव्वल को रफ़ा और जुज सानी को नसब देते हैं जुजे अव्वल को इसम और जुज ानी को इनकी ख़बर कहा जाता है ये अफ़ाल नाकसा तेरह अफ़ल हैं الأفضل كان وهي قد تكون زائدة مثل إن من أفزلهم كان زيدًا، وحينئذ لا تعمل وقد تكون غير زائدة وهي تجيء على معنيين ناكسة وتامة فالناكسة تجيء على معنيين أحدهما أن يثبت خبرها لاسمها في الزمان المازي سواء كان ممكن الانقطاع مثل كان زيد قائمًا أو ممتنع الانقطاع مثل كان الله عليمًا حكيمًا.

वो कभी ज्यादा होता है जैसे इन मिन अफजल हिम खान जैदन बेशक उनमें से अफजल जैद है वही न इज़िन लातामलो और इस वक्त काना अमल नहीं करता वक़्त कौन गैरजायदिन और कभी काना गैर गैरजायदा होता है वही तजय अला मान और वह दो मानों पर आता है नाकिसन व तमतिन नाकसा और तमा फ़न नाकिसत व तजी अला मान बस नाकसा दो मानों पर आता है अहद हुमा उनमें से एक ये खबर हाल इसमें माजी के साबित हो उसकी खबर उसके इसम के लिए ज़मान माजी में सवा उन बराबर है काना मुमकिनल मुमकिनए उसका मुनकदे होना मुमकिन हो जैसे कान न जैद उनका जैद खड़ा था और मुमतन अल्क़ता या उसका मुनकते होना मुमतन हो मिसलो जैसे कान अल्लाम हकीम अल्लाह तलीम और हकीम हैं हिमा उनमें से दूसरा अकूँ ये है कि हो बिमाना सारा सारा के माना में मिसलो जैसे कान अल फ़कीर गनी था एसारकीरन यानि फ़कीर गनी हो गया व तमत व तम बिफ़ालाहा और तामा ताम होता है अपने फ़ाइल के साथ फ़ला तहताजल ख़बर पस वो ख़बर का मोहताज नहीं होता फ़ला सतन, पस वो नाखशा नहीं होगा वही नजन तकोन बे माना सबता और इस वक्त वो सबता के माना में होगा मिसलो जैसे कान जैदुन ज़ैद है एसब जैदुन यानी ज़ैद साबित हुआ फ़ाल नाक़ा में से पहले काना है काना की दो किस्में हैं काना ज्यादा और काना गैर जायदा काना ज्यादा वो है कि जिसको जिक्र करें या हजफ़ करें माना में कुछ फ़र्क न हो जैसे इनम अफजलिम काना जैदन बेशक उनमें से अफजल जैद है तो यहाँ पर काना ज्यादा है इसको जिक्र करें या हजफ करें माना में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और जैदन का जो नसब है वो इन्ना की वजह से है यह काना अमल नहीं करता काना गैर ज्यादा के फिर दो मानने हैं नाखा और तमाह काना नाखशा और काना तम्मा काना नाखसा के फिर दो मान हैं नंबर एक उसकी खबर इसम के लिए जमाने माजी में साबित हो खा वो माजी में साबित होकर उसका मुन होना मुमकिन हो या मुन हाँ मुमकिन न हो बल्कि वो दायमी हो पहला माना यह है कि खबर इसम के लिए जमाने माजी में साबित हो आम है माजी में साबित होकर उसका मुन होना मुमकिन हो या उसका मुन होना मुमकिन न हो बल्कि वह दायमी तौर पर साबित हो मनक़े होना मुमकिन हो जैसे काना जैद उनका अमन जैद खड़ा था अब यहाँ पर माजी में ज़ैद के लिए क़्याम का सबूत है और उसके खड़े होने का मनक़ होना यानी खड़ा न होना यह भी मुमकिन है और मुमतनेता हो उसकी मिसाल कान अलीमन हकीम अल्लाह ताला तैलम हकीम है अब इसने ये तो बताया कि अल्लाह जमाने माजी में अलीम है लेकिन हकमत और इल्मित होने के बाद उसका मुन हो जाना कि अब अल्लाह अल्लाम हकीम नहीं है ये मुमतना है बल्कि अल्लाह का आलिम आलिम हकीम होना हमेशा के लिए है और जो दूसरा माना है वो ये काना का वो ये है कि वो सारा के माना में हो जाए जैसे कानल फकीर गनीयन, कानल फ़कीर व ़नी इसका माना है व ़नी फकीर, फकीर गनी हो गया दूसरा माना है सारा के माना में हो यानी तब्दीली हालत पर दलालत करे जैसे कान व ़नी इसका माना है व ़नी इसमें काना सारा के माने में है यानी अब उसकी हालत तब्दील हो गई फकीर अब गनी हो गया और काना ताम्मा वह है जो अपने फाइल के साथ ताम हो जाता है ख़बर की ज़रूरत नहीं होती तो वो अब काना तामा है काना नाक्सा नहीं है और ये सबता के माने में होता है जैसे काना जैदुन यानी सबता जैदुन यहाँ पर काना ख़बर का मोहताज नहीं है तो इस इबारत का मतलब ये हुआ कि अफ़ाल नाकसा में से पहला फेल काना है काना की दो किस्में काना ज्यादा काना गैर ज्यादा काना ज्यादा वो है कि जिसको हजफ करें या जिक्र करें माना में कुछ फ़र्क न हो इन अफजलिम काना जैदन उनमें से सबसे अफजल जैद है तो यहाँ पर काना ज्यादा है आ, और इसके हजफ करने से माना में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और जैदन का नसब काना की वजह से नहीं है इन्ना की वजह से है ये काना अमल नहीं करता और काना गैर ज्यादा के दो माने हैं नंबर एक नाखशा नंबर दो ताम काना नाखशा के फिर दो माने हैं नंबर एक खबर इसम के लिए ज़माने माजी में साबित हो साबित होकर खा उसका मुन होना मुमकिन हो या मुमतने हो मनख होना मुमकिन हो जैसे काना जैबिन खावामन जैद खड़ा था अब जमाने माजी में क़्याम का जैद के लिए सबूत है और उसका ख़त्म हो जाना क़्याम का मन्त हो जाना भी मुमकिन है और मनख़ होना मुमतन हो जैसे कान व हकीम हैं तो माजी में इल्म हिकमत अल्लाह के लिए साबित की गई है लेकिन उसका मुनत होना नामुमकिन है कि अब अल्लाह अल्लाहली हकीम नहीं है ऐसा ठीक नहीं है और दूसरा जो माना है वो ये है कि काना जो है वो सारा के माना में हो जाए काना नाकसा सारा के माने में हो जाए यानी तब्दीली हालत पर दलालत करे उसकी मिसाल फ़कीर कानफ़ीर न यानि सार्फ़ीर ़नी यहाँ काना सारा के माने में है कि फ़कीर की हालत तब्दील हो गई और अब वो गनी हो गया काना ताम वो है जो अपने फाइल के साथ ताम हो जाए और ख़बर का महताज न हो यह काना नाक़ नहीं होता और इस वक्त काना सबता के माना में होता है जैसे कान जैदुन इसका मानना है सबता जैद यहाँ पर काना फाइल के साथ ताम है खबर का मोहताज नहीं है